हेलो व्यूअर्स, आज है 10 तारीख और रात कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं, आठ बज रहे हैं रात के। और ये देखो, मैंने भुट्टे जो है ना, कि पापा 3 भुट्टे लाए थे और वो 3 भुट्टों में से 1.5 भुट्टे मैंने इसको जो है स्टीम कर लिया है। ये देखो स्टीम करा है इसके अंदर, ठीक है, ये स्टीम होगा। इस पर नमक नींबू लग चुका है और कनिका ले ले सकती है। थैंक यू, ले जाओ सारे, मत लेके जा बहन, अपने लिए हाँ एक ले जाओ, उठा एक ले जा, कनिका ले गई अपने लिए, चलो ठीक है। अब एक इसके पापा का और छोटा वाला मेरा। और मैंने क्या करा इसमें, ये तो मैंने सोचा इसमें कुछ और चीज़ें भी कर लूँ। इसके पापा पता वो लेकर आए थे ब्रोकली, मैं कहा कनिका के लिए अच्छी है, तो मैंने ब्रोकली धो के काट कर डाल दी। फिर मैंने सोचा ब्रोकली कर रही हूँ तो जब मैं गैस यूज़ ही कर रही हूँ तो क्यों ना मैं और चीज़ें भी डाल दूँ, तो मैंने ये सब चीज़ें भी डाल दी। 2 ही बचे थे ये वाले चुकंदर, इस बार जो हमने 2 तो यूज़ भी कर लिए, आलू भी डाल दिए, चुकंदर भी, गाजर भी, ये सब ऐसे हो जाएंगे ना, मतलब स्टीम। इनको हम जो है काट गए सारी चीज़ों को और इसको नमक नींबू डाल के खाएंगे तो बहुत हेल्दी होगा ये। तो मैं इसमें कर रही हूँ उसको स्टीम, स्लो गैस पे है क्योंकि पानी तो गर्म ही हो रखा है। तो चलो आज एक ही अच्छा नया काम करा है मैंने। अलावा ये चीनी ला रखी है, अभी डालती हूँ उसमें। देखो सामान रख दिया है डालने के लिए, चीनी डालनी है डिब्बे में। ये देखिए ब्रोकली का आगे का हिस्सा वहाँ डाल दिया, पीछे का ये बैक साइड है ये वाली, इसको भी काट के मैं रख देती हूँ उसके अंदर, येलो वाले के अंदर। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको काट के पहले डाल देते हैं, भुट्टा खा लेते हैं। इसके बाद क्या है कि मैं क्या करूँगी और काम, कल के पापा लाए थे कोटला सामान, वो भी दिखाती हूँ क्या है क्या नहीं है। और इसके अलावा रात को आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ खाने में, रोज मैं चावल बना के भी दुखी होती हूँ, तो आज मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि क्यों ना मैं वो बनाऊँ, क्या कहते हैं, मैक्रोनी। कनिका से पूछती हूँ क्या करती है, ठीक है। आज कनिका गई थी पापा को लेके हॉस्पिटल, के पापा को ना कल कोटला गए थे ना, तुमको ना रैशेज हो गए नीचे, बिल्कुल स्किन लाल लाल सी हो गई, जैसे नहीं होता गीला हो जाता है और उन्होंने डायपर पहना होता है गीला हो जाए तो वो फिर रैशेज हो गए ज़्यादा चलने फिरने से, मूवमेंट करने से। तो डॉक्टर को दिखाया आज, डॉक्टर ने तो सोचा कि सारा ठीक हो गया होगा, तो उसने क्या कहा कि नसें कमज़ोर हैं अंदर की, इस वजह से जो है ना बाथरूम की दिक्कत हो रही है। और बस उन्होंने ना एक तो रैशेज़ के लिए 2 ऑइंटमेंट लिख दी हैं जिनको मिला के लगाना है, और कुछ दवाइयाँ और चेंज कर दी हैं, और बोला कि डायपर कम पहनो, जब बहुत ज़रूरत हो तभी पहनो तो नहीं पहनो। वो कह रहे थे क्लैंप लगा देंगे, क्लैंप अभी कह रहे हैं अवेलेबल नहीं है, 1 हफ्ते बाद आना क्लैंप लगा देंगे, जैसे कि बाथरूम अंदर ही रुके। वो क्या आता है बाथरूम सारा अपने आप ही निकलता रहता है, वो फिर तभी तो डायपर पहनना पड़ता है, तो दिक्कत ही है, अब क्या करना था, कुछ दिन की है जब तक नसों में ताकत नहीं आती तब तक। हमारी जो है ना ये बन गई सारी, जो मैंने स्टीम की थी ना, इसमें क्या क्या था, इसमें गाजर थी 2 चुकंदर थे, ब्रोकली थी, और क्या था, बस यही चीज़ें थी। और इसमें मैंने डाले हैं 2 तरह के, एक तो मैंने डाले हैं वो वाले फ्लैक्स सीड, और 2 तरह के वो डाले हैं जो घिया के सीड, घिया थे कि पम्पकिन सीड और सनफ्लावर, ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं। कल मैंने इसको सर्च भी करा था कि जो पम्पकिन सीड है उसका क्या फ़ायदा होता है, मैं बहुत जिंक है, मैग्नीशियम है और गुड कोलेस्ट्रॉल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छे होते हैं सेहत को, और से जो है ना नींद भी अच्छी आती है। तो मैंने 1-1 चम्मच वो भी डाल दिया सीड, वो सीड कई जगह स्मूदी में भी डाल सकते हैं और सलाद में भी डाल सकते हैं, तो भाई मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया, इनका इसमें टमाटर नहीं डाला, मैं टमाटर भी डाल दूँ, टमाटर भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, टमाटर भी काट के डालती हूँ। उसके बाद फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए, काला नमक डाला है और जो है नींबू डाला है, चाट मसाला भी तो मैंने डाला नहीं है, निकाला नहीं है, बस काला नमक डाला और फ्लैक्स सीड डाले, बाकी तो कुछ नहीं डाला, टमाटर काट लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, आज है 11 तारीख और मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये है कनिका का ब्रेकफास्ट। इसमें 2 ऑरेंज डाले गए हैं छोटे छोटे, और 3 केले और 100 ग्राम के करीब पपीता, ये सारा मैंने इसके ना, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये वाले थोड़े से सीड्स भी डाल देते हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़े से डालूँगी बस, ये हाँ बस ये डाल दिए स्वीट्स थोड़े से, अब मिक्स कर दिए। काला नमक डाला और कुछ नहीं डाला क्योंकि ऑरेंज पहले ही थोड़ा थोड़ा खट्टा है, तो अब ये मैं इसको देने जा रही हूँ। और आज मैंने इसको बोल दिया था कि तू ना दरवाजे पर अपने वो लगा दे, क्या कहते हैं, अपना जो सारा दिन खाना होता है ना वो ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो मैंने बोला उसे सही से लगा दे, मैं उसमें से देख देख के देखो देती रहूँगी कि अब क्या देना है अब क्या देना है। तो अब ये मैंने ये पहले क्या करती थी, 3 केले इकट्ठे खा लिए और उसके बाद फिर 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा पपीता खा लिया, ऑरेंज खाती ही नहीं थी। अब मैंने तीनों को मिक्स करके एक बाउल में डाल दिया, अब इसका पेट भी भर जाएगा इससे, ठीक है। तो चलिए मैं लेकर आती हूँ इसको। हेलो व्यूअर्स, आज 11 तारीख है, तो मैंने क्या किया था, कल सारी बेडशीट जो थी चेंज कर दी सारे कमरों की, तो इस कमरे में ये बिछाई है और ये बीच वाले उमम के कमरे की भी चेंज कर दिए, ये वाली बिछा दी है,
नीचे वाली भी चेंज कर दी है, नीचे वाली ये वाली बिछा दी है, अब ये बंद पड़ा है बेचारा, ठीक है। कनिका के कमरे की भी चेंज कर दी है, ये बिछा दी है कनिका के कमरे में, ये कनिका का दूध पी रही है, ब्रेड खा रही है कनिका। मैं बेडशीटें दिखा रही हूँ, सारी चेंज कर दी। और मैंने क्या करा, इस वाले कमरे की भी चेंज कर दी है, ये दिखाती हूँ आपको। ये इसके पापा बैठे हैं, अभी काम करके हटे हैं, बैठे हैं। ये कब सारी बेडशीट धुल के आ गई है, यहाँ पे भी चेंज कर दी है, पुरानी से भी छाई है, क्योंकि कमरा भी सबसे पुराना ही है, मतलब सबसे बेकार वाला कमरा है, तो यहाँ पे मैंने पुरानी बिछाती हूँ। और ये सारे धुल के आ गई, अभी मैं करूँगी तह इनको। और इससे पहले मेरे को बनाना है लंच। इसके पापा को लग रही भूख, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही। और कनिका तो वैसे ही दूध पी रही है, लंच से पहले वाली रूटीन फॉलो कर रही है कि लंच से पहले से दूध पीना था, तो उसको कह कह के मैंने बोला दूध पी ले, तो दूध ब्रेड लेके बैठी हुई है, ठीक है। और के पापा लगे मैं अपने मोबाइल पे काम, उन्होंने थोड़ा बहुत करवा दिया, दूध भी लिया बाहर से, गर्म भी कर दिया। मैं नहा के आई हूँ अभी। हेलो व्यूअर्स, दोपहर का लंच बनाने लगी हूँ। देखो क्या क्या बन, ये जीरा रख लिया पास में, इसमें ब्रोकली है, और क्या है, ब्रोकली के पत्ते जो होते हैं वो भी हैं, ब्रोकली भी है, ठीक है। और ये है हमारा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च दो बड़ी वाली, अदरक भी है, ठीक है, ये हो गया। इधर घी गर्म हो रही है, इधर ये बढ़िया भिगोई हुई हैं बढ़िया, और गाजर छोटी छोटी काट के। ये है मेरी बहुत सारी मैकरोनी, ये मैंने उबाल ली है, उबाल के इसको ठंडे पानी में निकाल दिया, इसका पानी फेंक दिया, ठंडे पानी निकाल दिया है। और जो है ये मैंने रात को बनानी थी, पर कनिका ने कर दिया मना, कह रही है नहीं बनानी, तो मैंने क्या करा, जीरा डाल दिया इसमें। चलो अब ये डाल देते हैं, दो प्याज डाले काटे थे, तो दो प्याज, टमाटर बड़ा और अदरक, तो हम भून लेते हैं बढ़िया से, तड़का सा, तो काटने में टाइम लगता है बस, बाकी तो चीज़ तो फिर भी जल्दी बन जाती है, प्रिपरेशन में टाइम लगता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें बाद में मैं मैगी मसाला भी डालूंगी, ये निकाल लिया मैंने मैगी मसाला, छोटा सा पाउच डाल देंगे, थोड़ा स्वाद अच्छा आ जाएगा। पहले तड़का भून लेते हैं, इसके बाद फिर मैं डालूंगी इसमें ये बढ़िया, और ये अच्छे से जब भून जाएंगी तो लास्ट में ये वाले डालूंगी, ये सॉफ्ट है ना, ये तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो बस उसके बाद जो है हम बनाएंगे ग्रीन कलर की मैकरोनी। कल मैंने रात को ना चावल बनाए थे, मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़े से बड़े हुए हैं ये, मैंने चावल बनाए थे इतने से बच्चे में, अभी ये अभी ख़त्म करने हैं खा के, ये थोड़े से, ये ग्रीन कलर के चावल थे, इसमें भी बढ़िया डाली थी और इसमें पालक डाली थी, इसलिए इसका कलर ऐसा। ये एक गिलास पूरा कुकर भर के ही बने थे, बहुत टेस्टी थे, मैंने नहीं खा लेते फिर भी दो छोटी छोटी कटोरियाँ खा ही ली थी, गर्मा गर्म होते हैं ना और बहुत टेस्टी लगते हैं वो। ये अभी इतने से बचे हैं, इसको भी ख़त्म करना है। चलो कड़छी मार लेते हैं, इसमें हिला लेते हैं, गैस तेज कर लेते हैं, गैस स्लो है, तेज करके अच्छे से भून लेते हैं। चलो मिलती हैं थोड़ी देर में इसको बनाकर। ये व्यूअर्स हमारी बन गई मैकरोनी, ये ग्रीन कलर की इसलिए बने कि मैंने इसमें पालक डाली है, पालक थी ना जो, उसको उबाल के ग्राइंड करके रखा हुआ था, थोड़ी सी बची, अब तो आधी कटोरी भी नहीं बची, सारी मैंने कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया, आटे में डाल के करी थी और इसमें भी डाली है, तो जो भी कुछ बनाती है उसमें डाल देती हूँ, तो इस तरह से मेरी पालक यूज़ हो जाती है, सब्ज़ी तो उसकी बनी ही नहीं पानी। तो ये बन गई है, पूरी गैस बंद कर दी है, तो चलिए हम कर लेते हैं लंच, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे तो बेल आ जाएगी, बेल को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ब्लैक बेल आएगी, उसको दबाएंगे तो चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।